दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को डॉक्टर अशोक कुमार राय का बहुत बहुत नमस्कार। आज की जो हमारी ब्लेसिंग्स है डॉक्टर हनीमैन की, वो है आँखों का अंधापन, आंशिक अंधापन, पार्शियल ब्लाइंडनेस। इस रोग से पीड़ित रोगी की आँखों के सामने धुंधलापन हो जाता है, जिसके कारण उसे कोई भी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। वस्तु दिखाई तो देती है कि वहाँ कोई वस्तु है, लेकिन वो साफ तरीके से दिखाई नहीं देती। कभी कभी उसे किसी वस्तु का आधा भाग ही दिखाई देता है। आधा भाग जो दिखाई देता है, इसके बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसे आप देख सकते हैं। इसी कारण इस रोग को आंशिक अंधापन के नाम से जाना जाता है। आंशिक अंधापन के नाम के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी औषधियाँ हैं, पर हम कुछ ही औषधियों के बारे में बातचीत करेंगे, विवरण देंगे। और बार बार जैसा मैं कहता हूँ, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे जाकर मिलें, ताकि वो सही ढंग से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, आपके मेंटेलिटी को देखते हुए, आपकी साइकोलॉजी को देखते हुए वो आपको दवा दे सकते हैं। पहली जो दवा है इसमें, वो है आयरन मेटेलिकम। किसी वस्तु का सिर्फ ऊपर के अंश न दिखाई दे तो इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आयरन मेट औषधि की 12 की पोटेंसी का प्रयोग करें और जिसे दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। अगली जो दवा है वो है लिथियम कार। किसी वस्तु का सिर्फ दाहिना अंश न दिखाई दे, दाहिना अंश अगर न दिखाई दे तो लिथियम कार्ब औषधि का प्रयोग करना चाहिए। याद रखें, एरम मेटेलिकम औषधि का सिर्फ ऊपर का अंश न दिखाई दे और लिथियम कार्ब में दाहिना आधा अंश न दिखाई दे तो इस प्रकार की औषधि में, रोगों में लिथियम कार्ब औषधि का प्रयोग 12 की प्रोटेंसी में या 30 की प्रोटेंसी में दिन में 5 से 6 बार कर सकते हैं। अगली जो औषधि है वो है लाइकोपोडियम। किसी वस्तु का सिर्फ बायां आधा अंश दिखाई दे रहा हो तो इस तरह के लक्षणों को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम की 30 की पोटेंसी या 12 की पोटेंसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप ले सकते हैं, मुंह में 2 बूंद दे सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आधे कप पानी में डाल के दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का एक छोटा सा टॉपिक, आंशिक अंधापन। ये सारी जो देन है वो डॉक्टर हनीमैन की देन है, और ग्लोरी गोज़ टू हनीमैन। थैंक यू। लॉन्ग लिव हनीमैन, लॉन्ग लिव होम्योपैथी।